व्हाट द टेक इज गोइंग ऑन फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकिन डिकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली ये है द मोस्ट अवेटेड 4x4 रूबिक्स क्यूब ट्यूटोरियल। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले मैं तीन इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो है वो है कि मैं 4x4 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप मुझसे ज़्यादा कोई फास्ट सॉल्विंग ट्रिक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जो ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा उससे आप 2 मिनट या फिर 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें तो। मैं प्रैक्टिस नहीं करता इसलिए मैं स्लो हूँ। और जो नंबर दो बात है वो है दोस्तों कि फर्स्ट स्टेज सबके लिए सेम होगा, सेकंड स्टेज भी सबके लिए सेम होगा, लेकिन थर्ड स्टेज में जाके आप इधर बिगिनर मेथड में सॉल्व कर सकते हैं या फिर सी फॉप में। मैंने दोनों का ही ट्यूटोरियल 3x3 के लिए बना दिया है, वही सेम कॉन्सेप्ट 4x4 में भी अप्लाई होगा। और जो नंबर थ्री बात है दोस्तों, आप लोग मुझे कंटिन्यूसली मैसेज करते जाते हैं कि ये क्यूब का ट्यूटोरियल अपलोड करो, वो क्यूब का ट्यूटोरियल अपलोड करो। दोस्तों, मैं रेगुलर क्यूबिंग वीडियो अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि मेन रीज़न है कि ये है एक टेक चैनल, तो मैं अगर हमेशा अगर एक क्यूबिंग वीडियो अपलोड करूँ तो वो मेरे बाकी वीडियोज़ को हैम्पर करेगा इन बोथ व्यूअरशिप एंड इन टर्म्स ऑफ कंपनीज आइज ऑल्सो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं हर महीने एक क्यूबिंग वीडियो अपलोड करता हूँ। आई होप यू विल बी ओके विद दैट, और उससे क्वालिटी भी मैक्सिमम होगी और एक्सप्लेनेशन भी परफेक्ट होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे उन वीडियोज़ में भी सपोर्ट करें। बट एनीवेज, बातें बहुत हो गई, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा 4x4 क्यूब के पीसेस के बारे में। फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इसे एक्जैक्टली 3x3 क्यूब के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख सकते हैं कि 3x3 में होता है एक सेंटर, तो यहाँ पर आप कोई भी सेंटर एक पीस नहीं देख सकते बिकॉज ये चारों पीसेस मिलके एक सेंटर कंप्लीट करता है। यानी कि ये चार पीसेस मिलके कंप्लीट कर रहे येलो सेंटर, ये कर रहे ऑरेंज, ये चार पीस ग्रीन, वाइट एंड रेड। यानी कि 4x4 क्यूब में ये चार पीसेस बनाते हैं एक सिंगल सेंटर। ऑलराइट, तो अब आते हैं एज में। एज हम देखेंगे कि एक पीस है जिसमें है दो कलर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों में है, यहाँ पर दो कलर के बहुत सारे पीसेस है। तो एक्चुअली एज पीसेस यहाँ पर सिमिलरली, जैसे चार सेंटर मिलके एक सेंटर हो रहा था, यहाँ पर दो एजेस मिलके एक एज होंगे, तो ये दोनों मिलके एक्चुअली एक एज है। तो मैं इसको बस ऐसे करके, ओके, तो एक्चुअली ये चीज़ और ये चीज़, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों मिलके यहाँ पर एक एज बना रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये सभी दोनों मिलके एक एज बना रहे हैं। और एट लास्ट आता है कॉर्नर, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली 3x3 क्यूब की तरह है। एक्चुअली कोई भी क्यूबिक पजल में कॉर्नर के जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, यानी कि 8 कॉर्नर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जब हम पीसेस सीख चुके हैं, चलिए अब हम धीरे धीरे क्यूब में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं क्यूब को स्क्रैम्बल करना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो नोटेशन होगा वो बिल्कुल एक 3x3 क्यूब के नोटेशन की तरह ही है, बस एक डिफरेंस है, वो है RW या फिर LW मूव्स। तो बेसिकली अगर RW बोलूँ तो बस आप राइट साइड से इस पीस को एक बार करेंगे, अगर R' बोलूँ तो ऐसे, और अगर RW2 बोलूँ तो ऐसे, एग्जैक्टली लाइक अ 3x3, बस अगर W हो तो मिडिल वाला लेयर को हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, तो अब क्यूब स्क्रैम्बल हो चुका है, सब कुछ बिल्कुल बिगड़ चुका है, बट हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें एक सेंटर बनाना होगा। और क्यों हम 3x3 में क्या करते थे, सबसे पहले हम क्रॉस बनाते थे क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑलरेडी सॉल्व होता था, लेकिन 4x4 में क्यूब का सेंटर सॉल्व नहीं होता, वो बिल्कुल पजल हो जाता है। तो ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम कोई भी एक्चुअली सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल क्योंकि हमें वाइट से करने का ज़्यादा तजुर्बा है तो हम वही करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हम वाइट सेंटर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो वाइट देख सकते हैं, और एक्चुअली आप सेंटर को किसी भी जगह में बना सकते हैं, ये यहाँ पर किसी भी जगह में बना सकते हैं फर्स्ट सेंटर के लिए, बिकॉज इट्स ऑलरेडी स्क्रैम्बल्ड। तो देखते हैं और कोई हमें वाइट सेंटर मिलता है या नहीं। तो ये रहा एक वाइट सेंटर, और ये रहा एक वाइट सेंटर। एक्चुअली ये एक बहुत ही स्पेशल केस है, तो सबसे पहले हमारे पास एक स्पेशल केस आ गया। एनीवेज, आप देख लीजिए, अगर आपके पास दो टॉप लेयर में ऐसे हो, यानी कि दो ऐसे डायगोनल है, देखिए दो ऐसे डायगोनल है और दो ऐसे डायगोनल, तो अगर यहाँ पर होता तो हम बस
ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। ये स्पेशल केस है दोस्तों, घबराइए मत। इसके बाद हम सिर्फ इस लेयर या फिर इस टोटल इन दो लेयर को स्लाइड करेंगे। तो टोटल इन दो लेयर को स्लाइड कर लिया, देखिए यहाँ पर लाइन हो गया, यहाँ पर लाइन। किसी एक को हम हटा देते हैं और यहाँ पर इसको हटा देते हैं और देखिए ये सेंटर बन जाएगा। ये स्पेशल केस था, मैं स्कैम्बल कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई लाइन वाइन है। तो अगर हमारे पास लाइन है तो इट्स ईजी, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास है एक वाइट सेंटर, तो इनको हम कैसे मैच करेंगे, या फिर इस साइड या फिर इस साइड, दोनों में से को देखिए मैं डबल लेयर को मूव कर रहा हूँ, कोई भी डबल लेयर को मूव करके इसके साथ अलाइन कर देते हैं, तो हो गया। अब चलिए हम देखते हैं क्यूब में और कोई वाइट सेंटर है, ये रहा वाइट सेंटर। तो अब हम इसको यहाँ पर कैसे लाए दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है। और कैसे भी आप होल्ड करें, अगर ऐसे होल्ड कर रहे हैं या फिर जैसे भी आप होल्ड करें, मैं इस वक्त इसको ऐसे होल्ड कर रहा हूँ, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि इसको कहाँ पर लाए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो देखिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप इसको माइंड में एक बार रोटेट कर लीजिए। देखिए अगर मैं इस लेयर को रोटेट करता हूँ तो ये पीस कहाँ पर जाता है, अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो देखिए ये यहाँ पर जाता है। मतलब हमें क्या करना होगा, हमें इसको यहाँ पर ले जाना होगा। तो अंडू करते हैं, क्या होगा, ये यहाँ आएगा यहाँ पर, तो इसको बस हम लोग यहाँ पर लाते हैं। तो एक बार टॉप लेयर को मूव कर दिया, अब हम लोग इसको स्लाइड करेंगे, देखिए लाइन बन गया। अभी हम इसको यहाँ पर लाएंगे ताकि ये यहाँ पर आ जाए। अब फिर से हम लोग दो मूव कर देंगे और देखिए वाइट सेंटर बन जाएगा। ऑलराइट, तो क्यूब का हमारा वाइट सेंटर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जाएंगे कोई भी नेक्स्ट सेंटर में, लेकिन मैं जाऊंगा येलो पे, क्योंकि वाइट का ऑपोजिट होता है येलो। तो यानी कि अगर वाइट रहेगा बॉटम पे तो येलो रहेगा टॉप में। और देखिए दोस्तों, सेंटर का बहुत सारा केस हो सकता है, बट घबराइए मत। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर ला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ ऊपर लाऊँ तो देखिए ये ब्रेक हो रहा है, तो हमें इसको अंडू करना होगा। क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है, आप जरूर समझ जाएंगे। इसको बस एक बार ऊपर करके दो बार हटा देते हैं ताकि ये यहाँ पर आ जाए, अंडू कर देंगे, तो इससे ये भी सुरक्षित रहा और ये भी ऊपर आ गया। अब हमें देखिए यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये पीस यहाँ पर आएगा, तो मैं सिंपली क्यूब को टर्न कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए कि येलो सेंटर कहाँ बनेगा, यहाँ पर या यहाँ पर, ये बनेगा यहाँ पर, क्योंकि व्हाइट है बॉटम पे। तो अब हम इसको नीचे कैसे ला सकते हैं, अगर हम इसको नीचे लाए तो ये ब्रेक हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, प्रीटी इजी एक्चुअली। फिर से तो हम इसको एक बार यहाँ पर लाते हैं और हम इसको यहाँ पर लाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर लाऊंगा, मतलब इन तीन चीज़ों को मैं एक ही लाइन पर ला रहा हूँ, ओके। तीन चीज़ें एक ही लाइन पर है। इस बार एक बार इसको डाउन कर देते हैं और एक बार इसको यहाँ पर मूव कर देते हैं और ये ऊपर है। तो ये मैं फिर से दिखा देता हूँ क्या किया, इन तीनों चीज़ों को मैं एक ही लाइन पर लाया, एक बार डाउन करके इसको स्लाइड करके हटा दिया और अंडू कर दिया, ओके। और देखिए ये बिल्कुल सुरक्षित है। और लास्ट रहा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कैसे जाएगा दोस्तों, फिर से आप ध्यान रखिए, अगर नहीं याद आ रहा है, इसको अगर स्लाइड करें तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर, तो हमें इसको यहाँ पर लाना होगा। तो एक बार स्लाइड कर देते हैं तो देखिए ये येलो सेंटर बन गया, मतलब हमारा येलो और वाइट दोनों ही सेंटर बन चुके हैं। अब दोस्तों, आपको इन चारों सेंटर में से कोई भी एक सेंटर को सॉल्व करना होगा, तो किसको पहले सॉल्व करें, जो ज़्यादा सॉल्व है हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लू बार है, दैट्स गुड, ऑरेंज बार है, ग्रीन बार है, लेकिन देखिए यहाँ पर रेड ऑलरेडी तीन पीस है, तो मैं रेड को ही स्टार्ट करता हूँ, ओके। तो देखते हैं, और इस वाले पोजिशन में दोस्तों मैं इसको यहाँ पर रखूँगा, यहाँ पर, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में, डजेंट मैटर ऐसे या फिर ऐसे, जस्ट एनीवेज। तो देखते हैं रेड कहाँ पर है, रेड है यहाँ पर दोस्तों। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर लाऊँ तो ये ऑलरेडी मैच हो रहा है, ओके। अगर ये यहाँ पर रहता, यहाँ पर कहीं पर भी रहता, तो हम इसको यहाँ पर लाते, तो मैच कर देते हैं, हटा देते हैं और मूव कर देते हैं। देखिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, इसको मैच कर दिया, यहाँ पर ला दिया ताकि ये लाइन पर आ जाए, और देखिए यहाँ पर आ जाएगा। इट्स अ बिट टफ, लेकिन आप समझ जाएंगे। तो अब इसके बाद हम कौन सा सेंटर सॉल्व करें दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर हमें कलर स्कीम को फॉलो करना होगा। तो कलर स्कीम मतलब, अगर येलो टॉप में है और वाइट बॉटम पे है, तो ब्लू के राइट साइड में होता है रेड, रेड के राइट में ग्रीन, ग्रीन के राइट में ऑरेंज। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, रेड टॉप में है, येलो बॉटम पे है वाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन। तो चलिए अब हम ग्रीन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइन है और एक ग्रीन सेंटर पीस है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लाए, बस सिंपली हम इसको अलाइन कर देंगे, ओके, तीनों एक ही लाइन पे। एक बार इसको डाउन करके हटा देते हैं और अंडो कर देते हैं, तो तीनों वो हो चुके हैं। तो बाकी का ग्रीन सेंटर, तो ये रहा ग्रीन सेंटर। और दोस्तों देखिए बहुत ईजी है,
फिर से देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ तो ये कहाँ पर आता है, ये आता है यहाँ पर, मतलब हमें ग्रीन पीस को यहाँ पर लाना होगा, तो हम इसको यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। अब इसको हम स्लाइड करते हैं तो ये लाइन बन जाएगा। अब इसको एक ही लाइन में लाते हैं, देखिए ये सब एक लाइन पे है, और इसको अंडू कर देते हैं, देखिए बन चुका है। अब ग्रीन की यहाँ पर आता है ऑरेंज, बिकॉज ग्रीन ऑरेंज, तो यहाँ पर तीन बन चुके हैं और ये जाएगा यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, फिर से अगर मैं इसको यहाँ पर लाऊँ तो ये यहाँ पर आता है, मतलब हमें इसको कहाँ ला जाना, यहाँ पर, अगर जहाँ पर भी होता है, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर लाऊँ तो ये आता है यहाँ पर, मतलब हमें इसको यहाँ पर लाना होगा। तो बस हम इसको यहाँ पर लाते हैं और देखिए बाकी का सारा सेंटर भी सॉल्व हो चुका है। देखिए कलर स्कीम बिल्कुल मैच हो रहा है। ओके दोस्तों, देख स्पेशल केस, कभी कभी दोस्तों आपको ऑलरेडी दो लाइन मिल जाएंगे, चाहिए फर्स्ट सिचुएशन में हो या फिर लास्ट सिचुएशन में। देखिए ग्रीन ग्रीन है और रेड रेड है, तो हमें क्या करना होगा, सेम कलर के जो लाइन्स हैं उनको सेम ही लाइन पे लाना होगा। यानी कि अगर ऐसा रेड रहता, अगर ऐसा करते तो देखा ब्रेक हो गया, तो हमें देखिए ग्रीन की लाइन पे है, रेड रेड लाइन पे है, तो हम बस इसको यहाँ पर डाउन करके कर देंगे। सिमिलरली ऑल एक सिचुएशन पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर रेड, और देखिए ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कलर है। तो अगर ये यहाँ पर रहता, कहीं पर भी रहता, हमें क्या करना होता है, सेम कलर के लाइन को सेम लाइन लाना होगा, यानी कि रेड है, यानी कि इस लाइन में भी हमें रेड लाना होगा। तो यहाँ पर हम लाएंगे रेड और देखिए, और ये सॉल्व हो जाएगा। और राइट, तो जब हमारा सेंटर कंप्लीट हो चुका है, अब हमें बनाना होगा एजेस, क्योंकि हम डायरेक्ट क्रॉस नहीं बना सकते, बिकॉज एजेस आरेंट सॉल्वड। तो एजेस हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन से कलर के एजेस स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली कोई भी कलर के एजेस हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इट डजेंट मैटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमें सेम कलर के कुछ एजेस मिलते हैं। तो यहाँ पर है एक ग्रीन येलो, यहाँ पर है ऑरेंज ब्लू, हमें सेम कलर के पीसेस सर्च करना होगा। तो देखते हैं क्या करीब में कुछ, देखिए यहाँ पर एक मिल गया मुझे, ये देखिए, ये है ऑरेंज ग्रीन, ये है ऑरेंज ग्रीन, मतलब इन दोनों को हमें पेयर करना होगा। तो बहुत इजी है एक्चुअली, मैं दिखाता हूँ। तो इन दोनों पीसेस को हमें क्या करना होगा, हमें एक ही सेम लेयर में लाना होगा। तो इन चीज़ों को, यानी कि एक होगा लेफ्ट में, एक होगा राइट में, ऐसे देखिए ये तो ऑलरेडी सेम लेयर में है, लेकिन एक को लाना होगा लेफ्ट में, एक को लाना होगा राइट में, कोई भी एक। तो कैसे हम इसको यहाँ पर ला सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी है, अगर थ्री बाई थ्री कर सकते हैं तो। हमें क्या करना होगा, इसको फिक्स रखना होगा, तो हम इसको एक बार डाउन करते हैं, इसको यहाँ पर लाते हैं, इसको एक बार अंडू करते हैं, देखा ये दोनों अब लेफ्ट राइट में आ गए। मैं फिर से दिखा देता हूँ, इसको हमने एक बार हाइट कर दिया, इसको यहाँ पर ला दिया हमने, इसको अंडू कर दिया। अब देखिए दोस्तों, जब आपके पास ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पर देखिए दोस्तों, दो एच पीसेस लेफ्ट राइट में है और दोनों का कलर ट्विस्टेड है, यानी कि देखिए ये है ग्रीन ऑरेंज, लेकिन ये है ऑरेंज ग्रीन, तो आप खुश हो जाए, बिकॉज इट्स वेरी इजी। तो कैसे हम इन दोनों को पेयर करेंगे, इन दोनों लेयर को, टॉप इन दोनों लेयर को दोस्तों, देखिए मैंने क्या बोला, टॉप इन दोनों लेयर को हम लोग इसके साथ मैच करेंगे। तो देखिए पेयर हो गया, और अब हम इस पेयर को ऊपर टॉप लेयर में भेजेंगे। तो कैसे भेजेंगे, बहुत ही सिंपल है, आर यू आर प्राइम, ऐसे मत देखिए, मैं बस इसको ऊपर भेज रहा हूँ, आर यू आर प्राइम, क्योंकि हमने इस डबल लेयर को हटाया था, तो अब इसमें अंडू करेंगे। तो देखिए अब एक पेयर हमारे पास ऊपर आ चुका है, प्रिटी कूल, और देखिए एक्सीडेंटली और भी एक पेयर बन गया, ये बहुत ही देखा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, देखिए ये है ग्रीन रेड, ये है ग्रीन रेड, और दोनों ही देखिए दोस्तों लेफ्ट और राइट में है। लेकिन दोस्तों पिछली बार जैसे ये ट्विस्टेड था, ये इस बार ट्विस्टेड नहीं है, ये दोनों सेम कलर के हैं। तो जब आपके पास ऐसा सिचुएशन है, तो इनको ट्विस्ट करने के लिए आपको एक एल्गोरिदम करना होगा, बहुत ईजी है। तो एल्गोरिदम स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, बस फॉलो कीजिए, एल आर यू एफ यू प्राइम एल, देखिए दोस्तों अब ये दोनों ट्विस्टेड हो चुके हैं, लेफ्ट और राइट लेयर में है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छा सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए हमने क्या देखा, ये दोनों लेफ्ट और राइट में है, ट्विस्टेड है, यानी कि पेयर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको पेयर बनाऊँ और अगर इसको मैं लाऊँ, तो देखिए ये पेयर नीचे आ रहा है, और अगर मैं इसको अंडू करूँ तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो हम ये नहीं चाहते है ना। तो हमें जब भी हम इसको ऊपर भेजें, तो हमें देखना होगा कि कोई भी ऑलरेडी मेड जो पेयर है वो ब्रेक ना हो जाए। तो देखिए अगर ये यहाँ पर रहता और अगर मैं इसको बनाता तो ये ब्रेक होता, तो मैं इसको एक बार अवे कर देता हूँ, दूर भेज देता हूँ, तो क्या होगा, ये ब्रेक नहीं होगा। तो अब अगर मैं इसको पेयर करूँ, तो देखिए ये एम्प्टी पीसेस के साथ रिप्लेस हो रहा है और ये ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके, तो
अब हमारे पास दो पेयर बन जाएगा और इसको अंडू कर देते हैं डबल मूव को। अब देखते हैं दूसरे पीसेस। देखिए ये रहा ग्रीन और ये रहा रेड, सेम लेयर में है लेकिन ये दोनों काइंड ऑफ यू नो लेफ्ट राइट में नहीं है। तो इसको लेफ्ट में कैसे भेजेंगे, बहुत ही ईजी है। डाउन करते हैं, भेजते हैं और अंडू करते हैं फिर से। अब इन दोनों को हम पेयर करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए कि ऊपर कोई ब्रेक हो रहा है, हम देख लेंगे। तो देखिए ये दोनों पेयर ऊपर है, तो सावधानी से ओके। तो इसको पेयर करते हैं, ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये रिप्लेस होगा इसके साथ। देखा ये इसके साथ रिप्लेस होगा। तो इसको हम लोग ऊपर भेजते हैं, अलग कर देते हैं और इसको हम लोग मिडिल लेयर को अंडू करते हैं। तो बहुत सारे पेयर्स हो चुके हैं, बाकी का क्या देखते हैं। तो देखिए ये रहा एक ऑरेंज और ये देखिए ये मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तो ये इसको हम यहाँ पर कैसे भेजें, बहुत ईजी है, बस एक मूव अवे। देखा और ये हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर पिछली बार तो हमने लेफ्ट मूव किया था लेकिन इस बार लेफ्ट से नहीं होगा क्योंकि इस बार एक है यहाँ पर, एक है यहाँ पर। तो इस बार हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे ओके। सेम थ्योरी पिछली बार हम कर रहे थे यहाँ पर, इस बार हम करेंगे यहाँ पर क्योंकि इस साइड से इस बार पेयर हो रहा है ना। तो फिर से हम लोग इसको एक बार भेजेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर भेजता हूँ तो ये इस बार इस प्लेयर को ब्रेक हो रहा है। तो हम इसको एक बार यहाँ पर भेज देते हैं ताकि जब मैं इसको यहाँ पर पेयर करूँ तो ये इसके साथ रिप्लेस हो। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ मैंने क्या किया। मैंने इसको यहाँ पर भेज दिया क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक मूव करूँ तो ये यहाँ पर जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर भेज दिया, पेयर कंप्लीट हो गया। इसको ऊपर भेज दिया मैंने, इसको ऊपर, और इसको यहाँ पर लाते हैं, इसको अंडू करते हैं। तो कोई भी पेयर ब्रेक नहीं हुआ ओके। और देखते हैं क्या है हमारे पास। तो ये रहा, ये देखिए मैं यहाँ पर एक ऑरेंज देख सकता हूँ और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एक ऑरेंज। तो इन दोनों को हम कैसे लाते हैं, बस एक बार इसको मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ और एक बार यहाँ पर मूव कर देता हूँ। अब ये दोनों सेम कलर है तो वो ही एल्गोरिदम, ये दोनों ट्विस्टेड है और इस बार मैं देख सकता हूँ कि जो भी मैं क्यों ना करूँ ये ब्रेक नहीं होगा। तो अब इन दोनों को पेयर करते हैं लेकिन फिर से सावधानी। अगर हम इसको यहाँ पर पेयर करेंगे तो ये इस वक्त इसके साथ रिप्लेस होगा। तो हाँ, तो वी आर सेफ। अगर यहाँ पर रहता तो ये पेयर ब्रेक हो जाता। तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं ओके। तो और क्या है हमारे पास। तो ये रहा रेड, ये रहा रेड। इन दोनों को सेम लेयर में कैसे लाए, बस एक मूव अवे। अब इन दोनों को हम लोग पेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों इस बार देखिए ये बहुत ही एक अच्छा सिचुएशन है, मैं चाहता था कि आए। तो देखिए दोस्तों इस बार ऊपर के चारों ही पीसेस पेयर है, तो नो मैटर किससे भी हम क्यों ना रिप्लेस करें एक प्लेयर ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करें, ये मैं चाहता था। तो देखिए दोस्तों अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर ऊपर ऑलरेडी सारे पेयर्स हो चुके हैं तो हम इसके नीचे की तरफ देखेंगे क्या अनमेड पेयर है। बिल्कुल यहाँ पर एक अनमेड पेयर आपको मिल जाएगा ही। तो क्या करेंगे, बस एक अनमेड पेयर को ऊपर लाते हैं। बस मैंने क्या किया, मैंने इस बैक लेयर को या फिर जो भी लेयर हो मैंने लेयर को उठा दिया। यहाँ पर दोस्तों आप इस लेयर को नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर इसको आप हटा देंगे तो ये लेफ्ट राइट में नहीं रहेंगे। तो हम लोग सिर्फ इस लेयर को ही काम ले आते हैं जो बैक लेयर है। तो ब्लैक लेयर में ये जो अनसॉल्व पीस है मैंने इसको ऊपर ला दिया। अब हम इसको आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कैसे करें, देखिए मैं इसको यहाँ पर पेयर कर दिया और अब मैं इसको इसके साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्टकट है। आप चाहते थे तो ऐसे कर सकते थे लेकिन अगर ऐसा यहाँ पर है तो आप क्या करेंगे कि बस एक पहले पेयर जो है नॉर्मल बना दीजिए और इसके बाद डायरेक्ट इसके साथ रिप्लेस कीजिए। तो मैं R अब U2 करके इसके साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। देखा, तो फिर से देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको पेयर किया और बस RURPM के बदले मैंने क्या किया, मैंने R इस वक्त U2 कर लिया ताकि ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाए। तो इससे हमारे सारे पेयर सेव रहेंगे। बस अब अंडू कर देते हैं और इस दौरान मैंने देख लिया कि ब्लू और ये ब्लू वाइट बचा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को पेयर करेंगे और फिर से देखिए यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं है तो यहाँ पर एक बैक में है। तो इसको ऊपर लाते हैं, बैक लेयर को कर देते हैं और फिर से RU2 करेंगे, RU2 R'। और लास्ट बच गया है हमारे पास ये दोनों। देखिए सारे एजेस बन चुके हैं इन दोनों को छोड़ के। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर ये यहाँ पर रहता तो हम सिंपली इसको ऊपर लाते। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर आपके पास एक है लेफ्ट में, एक है राइट में, एक है लेफ्ट में, एक है राइट में, मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो आप एक बहुत ही ईजी एल्गोरिदम को परफॉर्म करेंगे अगर ये ट्विस्टेड रहे तो। और वह एल्गोरिदम है कुछ इस तरह का।
अब देखिए दोस्तों, ये दोनों सेम कलर के हो जाएंगे, लेफ्ट राइट में ऑरेंज ऑरेंज ग्रीन ग्रीन। तो ये वाला एक न्यू एल्गोरिदम है, आप लोग फॉलो कीजिए। और देखिए दोस्तों, अब आपका सारा का सारा जो पेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने सक्सेसफुली एक एज पेयरिंग कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद भी दोस्तों, अगर कोई भी सवाल रहे तो आप बस मुझे एक बार इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज एज पेयरिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे पहले बहुत ही टाइम लगा था। ओके, तो अब जब हमारे पास सारे एजेस कंप्लीट हो चुके हैं, एक सेंटर कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको एग्जैक्टली 3x3 क्यूब के तरह सॉल्व करेंगे। तो 3x3 क्यूब में सबसे पहला हमारे पास क्या स्टेप था, वो था क्रॉस। तो एक क्रॉस बनाने के लिए हम बस अलग, जो एडवांस है वो लोग एडवांस क्रॉस बनाते हैं, जो बिगिनर है वो बिगिनर क्रॉस बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर एडवांस क्रॉस ही बना रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद आप बस अपने मेथड को ही फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर है रेड और यहाँ पर मैं ग्रीन ब्लू देख रहा हूँ, तो रेड को मैं यहाँ पर भेज देता हूँ, ग्रीन हो गया सॉल्व। ओके, तो अब मेरे पास जो क्रॉस है वो सॉल्व हो चुका है। इसके बाद का स्टेप क्या होता था हमारे पास, अगर आप बिगिनर है तो आप क्या करते थे, लेयर बाय लेयर पहले वाइट लेयर बनाते थे, यानी कि अगर मतलब एक एक करके आप जो कॉर्नर है वो इंसर्ट करते थे। तो मैं बस एक आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, बस इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो आप पहले एक लेयर बनाते थे, तो यहाँ पर मैं बस एक पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए, रेड और ब्लू दोनों के बीच एम्प्टी साइड, वही पुराने दिनों की बात, ऑरेंज ब्लू एम्प्टी साइड, पुराने जो करते थे। लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पर F12 करता हूँ, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ग्रीन ब्लू, यहाँ पर देख रहा हूँ मैं ऑरेंज ब्लू और लास्ट लेयर। तो ये अच्छा हुआ कि ये आ गया, क्योंकि ये बिगिनर में भी आ जाएगा। तो कॉर्नर सॉल्व करने के बाद हम लोग एज के लिए क्या करते थे, ये दोनों मिलके एक एज बन रहा है। देखिए ये सिमिलर है, मैं दिखा देता हूँ कौन से एज के। ओके, तो ये सिमिलर है दोस्तों इस वाले पीस के, देखिए रेड ब्लू रेड ब्लू। तो हम इसको यहाँ पर भेजने के लिए क्या करते थे, इसके ऑपोजिट साइड में हम भेजते थे, इसको अंडू करते थे और इस बार इसको इंसर्ट करते थे। ऑल दो कॉर्नर इंसर्ट नहीं है, बट एनीवेज, तो इसको हम यहाँ पर भेजने के लिए क्या करेंगे, इस बार इसको ऑपोजिट साइड में भेजेंगे, अप करेंगे, इसको अंडू हो जाएगा। अब हम इसको सिमिलरली इंसर्ट करेंगे और देखिए दोस्तों, अब हमारा जो दो लेयर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप बोलेंगे तो ये तो तीन लेयर है, लेकिन क्यूब में ये दोनों मिल के एक लेयर कंप्लीट हो रहा है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास क्या बच जाता है, अगर आप बिगिनर है तो पहले आप क्रॉस करेंगे, क्रॉस तो सभी को करना पड़ता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इन कॉर्नर को एजेस को सही जगह पे लाएंगे, उसके बाद कॉर्नर को सही जगह पे, उसके बाद कॉर्नर को ट्विस्ट करेंगे, वही आर प्राइम डी प्राइम वाला एल्गोरिदम। बट क्योंकि हमें OLL पता है तो हम वही करेंगे, बट एक्चुअली मुझे इस केस का OLL एल्गोरिदम पता है, बट मैं आपके लिए बस टू लुक ही कर रहा हूँ। तो एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब हमारे पास है क्रॉस, अब यह है एक OLL केस जो कि हमें पता है, और अगर आपने मेरा OLL ट्यूटोरियल नहीं देखा तो यहाँ पर जाके देख लीजिए। तो इसके बाद दोस्तों, अब हमारे पास बच जाता है PLL, और अगर वही आर प्राइम एफ आर प्राइम बी टू वाला एल्गोरिदम आप चाहे तो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस केस का एल्गोरिदम पता है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जाऊँगा और देखिए ये सॉल्व हो जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बिकॉज क्योंकि 4x4 क्यूब में जो सेंटर वो फिक्स नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल केस आएंगे, यानी कि पैरिटी। चलिए देखते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो है OLL पैरिटी। तो देखिए दोस्तों, एक 3x3 क्यूब में कभी भी ऐसा सिचुएशन टॉप क्रॉस में पॉसिबल नहीं है। इधर हमें मिलेगा एक क्रॉस या फिर हमें मिलेगा एक लाइन या फिर हमें मिलेगा एक L, लेकिन और या फिर हमें मिलेगा एक डॉट, आपको याद है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि 3 edges है और 1 edge नहीं है। ये कब होता है, ये होता है जब पैरिटी आएगा। तो जब भी आपको पैरिटी मिले तो आप क्या करेंगे, फेस को ऐसे होल्ड करेंगे ताकि ये अनसॉल्व एज आपके सामने हो और ये एल्गोरिदम परफॉर्म करेंगे। बाय द वे दोस्तों, ये एल्गोरिदम थोड़ा सा लॉन्ग है तो प्रैक्टिस लगेगी, और जो W मूव है वो यानी कि मिडल लेयर है, तो मैं धीरे धीरे एल्गोरिदम को परफॉर्म करता हूँ। तो देखिए दोस्तों,
एल्गोरिथम ऊपर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं मुंह में नहीं बोल सकता। इसके बाद दोस्तों आपको एक नॉर्मल केस मिल जाएगा, इसके बाद आप जो नॉर्मली है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों आता है जो है वो है PLL पैरिटी, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, तो प्रॉब्ली आपको पहले वाले में अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मुझे सारे PLL पता है तो मैं देख के अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और यहाँ पर मैं देख के बोल सकता हूँ कि ये कोई भी एल्गोरिथम में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर है पैरिटी। लेकिन अगर आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते जो कि है हेडलाइट बाहर पे, तो आप वो पुराना एल्गोरिथम। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आके आप लोग स्टक हो जाएंगे, बिकॉज जब आप वो लास्ट परफॉर्म करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तो दोनों वाला, यहाँ पर दो सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दो अनसॉल्व है, ये एक नॉर्मल 3x3 में नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यही है पैरिटी। तो जब भी आपके पास पैरिटी आ जाए तो एक्चुअली कोई भी एक प्लेस को आप सामने रख सकते हैं, इधर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ही रखता हूँ और ये एल्गोरिथम परफॉर्म कीजिए। देखिए मैंने डबल लेयर को मूव किया, और देखिए दोस्तों अब आपके पास एक नोन सिचुएशन हो जाएगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही आप 4x4 क्यूब के सारे स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन एक शॉर्टकट क्विक आपके लिए। कभी कभी दोस्तों जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब PLL पैरिटी के लिए ही जब ये दोनों ऑपोजिट लेयर सॉल्व है और ये दोनों ऑपोजिट लेयर सॉल्व नहीं है, तो इन दोनों अनसॉल्व में से किसी को सामने रख के वही PLL एल्गोरिथम परफॉर्म कीजिए, और आपको बार बार परफॉर्म नहीं करना होगा। तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। और दोस्तों ऐसे ही आपका सारा का सारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा, बट फाइनल एक एग्जांपल सॉल्व आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइस, और बहुत ही अच्छा सिचुएशन है, सारे के सारे अलग है, तो किसी भी एक को लेकर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को देख रहा हूँ, तो देखिए ये जाएगा ऊपर, तो मैं पता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर लाता हूँ ताकि ये लाइन बन जाए। इसके बाद आता है ये, तो बस इसको एक बार यहाँ पर मूव करके मैं यहाँ पर लाता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट सिचुएशन है। और लास्टली ये वाला, तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर लाऊँ तो यहाँ पर लाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ, लाइन बन जाएगा, और इसको एक लाइन में। अब हम बनाएंगे येलो, तो येलो आएगा इसके टॉप में, तो ये रहा, मैं इन दोनों को देख सकता हूँ, ये दोनों एक ही लाइन पे है तो अलग हो गया। अब आते हैं ये दोनों, तो इन दोनों को मैं कैसे यहाँ पर लाऊँ, सबसे पहले मैं इन तीनों को एक ही लाइन में ला रहा हूँ। ओके, इसको अलग कर देता हूँ, मैं अंडू कर देता हूँ, और बाकी रहेगा ये। देखिए अगर मैं इसको ऊपर लाऊँ तो ये आएगा यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ, तो टॉप और बॉटम बन चुके हैं। और सबसे पहले रेड इजी लग रहा है, ब्लू भी इजी लग रहा है, मैं ब्लू से स्टार्ट करता हूँ। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर लाऊँ तो ये यहाँ पर आएगा, मतलब मैं इसको यहाँ पर भेजता हूँ। इसके बाद देखते हैं क्या इजी है, इसके बाद मैं देख सकता हूँ रेड इजी है, बट रेड आएगा यहाँ पर, बिकॉज ब्लू के इस साइड में रेड होता है। तो मैं एक बार इसको यहाँ पर भेज के इसको अंडू करता हूँ, इसके बाद इसको यहाँ पर लाता हूँ, तो ये दोनों एक ही लाइन पे है, इधर यहाँ पर जहाँ पर भी हो, इसको अलग कर देता हूँ, ये तीन आ गए। तो इस रेड के लिए दोस्तों मैं देख रहा हूँ, अगर ये मैं यहाँ पर लाऊँ तो मैं इसको यहाँ पर भेजता हूँ, और फाइनली बच गया ये दोनों। और देखिए ये दोनों डायगोनल है, तो एक अगर यहाँ पर होगा तो एक यहाँ पर ऑपोजिट में। ओह, मैंने गलती कर दी, बट देखिए अब आते हैं एज, इन दोनों को देख रहा हूँ, ये दोनों यहाँ पर जाएंगे, इसको इसके बाद इन दोनों को मैंने देख लिया सेम है, इन दोनों को मैच करता हूँ, इस बार ये दोनों रेड ग्रीन सेम है, इन दोनों को। इसके बाद मैं देख सकता हूँ ये ग्रीन और येलो, इन दोनों को करता हूँ, और इसके साथ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। अब देख सकता हूँ मैं ये रेड ब्लू, रेड ब्लू, इसके साथ मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं देख सकता हूँ ये ऑरेंज और ऑरेंज ट्विस्टेड है, इसको मैं इसके साथ रिप्लेस करता हूँ। इसके बाद मैं देख सकता हूँ येलो ऑरेंज, और ये रहा
कहाँ पर गया, इसके बाद मैं देख सकता हूँ ऑरेंज और ऑरेंज तो फ्लिप्ड है और लेकिन ऊपर सभी सॉल्ड है, तो इस वक्त मैं यहाँ पर एक्चुअली कुछ भी नहीं कर सकता, तो इस वक्त मैं इसको एक बार यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। देखिए इसको मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके तो अब मैं कर सकता हूँ और बच गया ग्रीन और ये दोनों, और इस बार मैं इसके साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। अब ये दोनों सेम है तो हो गया कंप्लीट। अब 3x3 स्टेज, पैरिटी आएगा क्योंकि ये बस एक ही सॉल्व है। अब मैं नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकता हूँ और थैंकफुली पीएलए पैरिटी नहीं मिला मुझे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसके बाद आएगा नेक्स्ट मंथ में एडवांस एफ्टर ट्यूटोरियल, तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको भी वायरल कीजिए। एनीवेज आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में एंड पीस।